हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरु जी। तो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एमपी जेल पुलिस एंड फॉरेस्ट गार्ड का 2015 में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने के लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों, मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, मैं अपने काम के लिए अमृत सेन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र से अमृत सेन को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, बरगी बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, बरगी बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। ये दोस्तों जबलपुर में है। दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, नर्मदापुरम संभाग का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों, नर्मदापुरम संभाग का दूसरा नाम होशंगाबाद है। दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कौन थे? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव बान की मून थे। दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना के अलावा किस जिले में फैला है? तो दोस्तों, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान छतरपुर के जिले में फैला हुआ है। दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, सरिस्का अभयारण्य किस राज्य में है? तो दोस्तों, सरिस्का अभयारण्य राजस्थान में है। नेक्स्ट है दोस्तों, किसे भारत की संचार क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों भारत की संचार क्रांति के जनक के रूप में सैम प्रतिद्वंद्वी को जाना जाता है। दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, तो दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों, भारत रक्षा प्रणाली को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो दोस्तों, भारत रक्षा प्रणाली को तीन भागों में विभाजित किया गया है। आंसर होगा तीन भागों में। नेक्स्ट है दोस्तों, कागज उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो दोस्तों, कागज उत्पादन में अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है दोस्तों, मध्य प्रदेश का वित्तीय वर्ष कब से कब तक रहता है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय सिविल सेवा के लिए चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों, भारतीय सिविल सेना में चयनित होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये दोस्तों मोस्ट आईएमपी है, आप इसको आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोस्तों, लूनी नदी का उद्गम स्थल अरावली है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा शहर भारत का बोस्टम कहलाता है? तो आंसर होगा दोस्तों अहमदाबाद नगर। नेक्स्ट है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव ट्रेगवी ली थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के आठवें महासचिव दोस्तों बान की मून थे। दोस्तों, ये दोस्तों मोस्ट आईएमपी है, ये दोबारा रिपीट हो सकता है, आप इसको तैयार कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र के आठवें महासचिव बान की मून थे। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ, ये दोस्तों मोस्ट आईएमपी है 2017 के लिए। दोस्तों, तो दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों, विकलांग श्रद्धा का दौर नामक हास्य रचना के लिए लेखक के साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों, हरिशंकर परसाई। दोस्तों, इनको हास्य रचना के लिए लेखक एवं साहित्य अकादमी का पुरस्कार इन्हें मिला था। दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। दोस्तों, ये भी दोस्तों मोस्ट आईएमपी है, इसको भी आप एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, चेतियागिरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, चेतियागिरी मंदिर सांची में स्थित है। दोस्तों, सांची में ये बुद्ध मंदिर है। दोस्तों, ये भी मोस्ट आईएमपी है। दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्रीय संधि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, केंद्रीय संधि संगठन का मुख्यालय अकारा में स्थित है। दोस्तों, इसको भी देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म स्थान कौन सा है?
तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों अफगानिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? दोस्तों अफगानिस्तान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। नेक्स्ट है दोस्तों ओरछा किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ओरछा टीकमगढ़ में स्थित है दोस्तों। आई होप दोस्तों दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। मेरी पूरी कोशिश है कि जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके एग्जामों में ये मतलब दोबारा रिपीट हो दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश है। तो दोस्तों आप लोग जरा दिमाग लगा के सीखिए ये क्वेश्चन जितने बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट है दोस्तों बराक ओबामा ओबामा किस पार्टी के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों बराक ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी के अंतर्गत आते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के अंतर्गत आते हैं बराक ओबामा दोस्तों। दोस्तों कल के वीडियो में करीब अजीब अजीब कमेंट्स आ रहे थे कि आप आंसर नहीं बता रहे हैं। तो दोस्तों आज मैंने जो वीडियो बनाया है तो मैंने क्वेश्चन के साथ भी आंसर भी दिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों दुनिया का सबसे व्यस्त मालवाहक बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे व्यस्त मालवाहक बंदरगाह संघाई पोर्ट है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों पंचायती राज के लिए स्तरीय प्रणाली है? दोस्तों पंचायती राज के लिए स्तरीय प्रणाली है 3। नेक्स्ट है दोस्तों भारत में झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में झीलों का शहर भोपाल को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों महात्मा गांधी के एक समय के सहयोगी उनसे अलग हुए उन्होंने आत्मसम्मान नामक एक आंदोलन शुरू किया, वह कौन थे दोस्तों? महात्मा गांधी के समय एक सहयोगी उनसे अलग हुए उन्होंने आत्मसम्मान नामक एक आंदोलन शुरू किया, वह कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों आंसर होगा ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर। तो दोस्तों अगर आप लोगों को आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट दें दोस्तों। धन्यवाद।